और एक तरफ जहां अमेरिका के साथ ऐतिहासिक डील हुई है, वहीं आतंकवाद पर करारा प्रहार करने का भी पूरा प्लान बना लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर भी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका साथ खड़े हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इसे खत्म करना बेहद जरूरी है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। भारत हर मोर्चे पर सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा है और जिस गंभीरता से राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस मुद्दे पर बात हुई वो वाकई में पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही प्रधानमंत्री कैपिटल हिल पहुंचे, सभी सेनेटर्स ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे भी यहां पर लगाए गए। यही नहीं, आपको ये भी बताएं, संबोधन के दौरान कई मौके पर खड़े होकर उनका अभिवादन तक किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत अमेरिका की दोस्ती पर भी बात की, भारतीय लोकतंत्र और उसकी विविधता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने वन फैमिली वन फ्यूचर वन ग्रिड वन वर्ल्ड पर अपनी बात रखी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे उस वक्त की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस संबोधन के दौरान 15 बार ऐसा मौका रहा जब स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें दिया गया और जब संबोधन खत्म हुआ उसके बाद तमाम सांसद जो भीतर मौजूद थे वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लिया गया। लेकिन संबोधन के दौरान बहुत अहम मुद्दे जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पर चर्चा की और आतंकवाद पर एक बार फिर से कड़ा प्रहार यहां से किया, ये बड़ी खबर है। भारत में डिजिटल क्रांति कैसे आई है उसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। एंड टेररिज्म स्टिल रिमेन ए प्रेसिंग डेंजर फॉर द होल वर्ल्ड। दीज आइडियोलॉजीज कीप टेकिंग न्यू आइडेंटिटी एंड फॉर्म्स बट देन इंटेंशंस आर द सेम। टेररिज्म इज एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड देयर कैन बी नो इफ्स एंड बट्स इन डीलिंग विथ इट। वी मस्ट ओवरकम all such forces sponsoring and exporting terror।